शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ, मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ एक सत्य घटना पर आधारित मेरी अपनी लिखी कहानी हकीकत। जून 2020। इस महीने में गर्मी भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मन में एक अजीब सा डर था। एक दिन मेरे घर पर मैं, मेरा छोटा भाई नमन, मम्मी और मेरे हस्बैंड, हम सब बस यूं ही बैठे बात कर ही रहे थे कि सुन नमन, आज का अखबार देखा? कोरोना कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और पापा का तो बहुत ध्यान रखना, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है कभी कभी। हाँ दीदी, पापा की तबीयत को लेकर तो मुझे भी बहुत डर लगा रहता है। बस मैं और नमन बात कर ही रहे थे कि मम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हुई, उन्हें कपकपी हुई। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, थकान है थोड़ी सी। हम समझ नहीं पाए, लेकिन मैं थोड़ा डर गई थी इसलिए नमन से रोज़ मम्मी की तबीयत पूछ रही थी। नमन और मैं अक्सर पापा की तबीयत को लेकर परेशान रहते थे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मम्मी इस तरह बीमार हो जाएगी। सिर्फ एक दिन ही बीता होगा कि नमन ने मुझे फ़ोन किया। हेलो। हाँ नमन, क्या हुआ? दीदी, मम्मी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं दीदी, 2-3 दिन पहले सर्दी हुई थी। सर्दी तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद जो खांसी हुई तो रुकी नहीं रही है। तूने मम्मी को सिरप वगैरह दिए? हाँ दीदी, सब दवाएं दे दी। बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है अब अस्पताल जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। क्या करूं? नमन चिंता मत कर, तू सुबह होते ही मम्मी को अस्पताल ले जाना, देखेंगे फिर जो भी होगा। मुझे पता था नमन अकेला है, उसे डर लग रहा था। डर लगे भी क्यों ना, खांसी भी कोरोना जैसी बीमारी के लक्षणों में से एक लक्षण था। और लॉकडाउन के कारण मैं और मेरी बहन नैना दोनों उसके साथ नहीं थे। अब वो अकेला सिर्फ मम्मी के पास, पता नहीं क्या होगा। एक और दिन बीत गया। दूसरे दिन एक बार फिर नमन ने मुझे फ़ोन किया। दीदी, मम्मी की खांसी तो अब एक सेकंड के लिए भी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या करूं? अब तो मम्मी बोल भी नहीं पा रही और अस्पताल जाने के लिए भी मना कर रही है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैं भी डर गई थी, अब क्या करूं? फिर भी अपने शब्दों को समेटा। मुझे पता था नमन अकेला है, वो अकेला क्या क्या करेगा। सुन नमन, घबरा मत, मम्मी ठीक हो जाएगी। सुबह होते ही मम्मी को अस्पताल ले जा, मैं भी अस्पताल ही आती हूँ। ये रात किसी काली रात से कम नहीं थी। नमन सामने बैठा मम्मी को देख रहा था। जब उससे देखा नहीं गया तो उसने कहा, मम्मी आप लेट जाओ, मैं आपके गले में मलहम लगा दूँ। मम्मी के गले में मलहम का सेक करने से मम्मी को आराम हुआ और मम्मी सो गई। मम्मी के सोते ही मुझे बस झपका लगा ही था कि कुछ ही मिनटों में मम्मी की खांसी की आवाज़ सुनकर मैं फिर उठ बैठा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बीच मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। अभी तो रात के 4 ही बजे हैं, अस्पताल में डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे। अब क्या करूं? देखा नहीं जा रहा है। मम्मी को खांसते हुए देखकर मेरी आंखें बार बार झलक रही थी। आखिर जैसे तैसे 1 घंटे बाद जब मम्मी की खांसी नहीं रुकी तो पापा, मैं और मम्मी एक दूसरे से लिपट कर रो लिए। पता नहीं क्यों मन ही मन बहुत डर लग रहा था, जैसे हाथ से सब छूट रहा है। मैं बस भगवान से एक ही बात बोल रहा था, हे भगवान मेरी मम्मी को ठीक कर दो। लेकिन मेरी मम्मी की हालत तो हर मिनट बिगड़ रही थी। उनकी खांसी को देखकर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं
कोरोना सस्पेक्टेड होने की बात सामने ना आ जाए। सोच सोच कर मेरे हाथ पैर ढीले पड़ रहे थे। जैसे तैसे आखिर सुबह हुई। अभी सुबह के 6 ही बजे थे। मैंने फिर दीदी को फ़ोन किया। हेलो दीदी, मैं मम्मी को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है नमन, डर मत, मैं भी आती हूँ। हम दोनों भाई बहन की हालत लगभग एक जैसी थी। फ़र्क इतना था कि वो मम्मी के साथ था और मैं मम्मी से दूर। वो मम्मी की तकलीफ़ को सामने से देख रहा था, लेकिन मैं सिर्फ महसूस कर पा रही थी। आज पहली बार मन में बहुत डर था। हम तीनों भाई बहन की लाइफ हमारी मम्मी से ही शुरू होती है और हमारी मम्मी पर ही ख़त्म होती है। आखिर वो घड़ी आई जब हमें ना चाहते हुए भी सुनना पड़ा कि हमारी मम्मी कोरोना पॉजिटिव है। अब हम सब अलग अलग उस बीमारी से लड़ रहे थे। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, नमन और पापा होम क्वारंटीन होकर, और मैं अपने घर में, और मेरी बहन नैना उसके ससुराल में। इसे एक हकीकत ने जैसे उन दिनों हमें कई कड़वे अनुभव का सामना करवाया। कुछ पराए हमारे साथ खड़े हुए तो कुछ अपने भी पराए हो गए, लेकिन अब भी हमारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। होम आइसोलेशन के लगभग 2 दिन ही बीते होंगे। इस दौरान जब हम सबका कोविड टेस्ट हुआ तो नमन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। फिर एक बार ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमको चुन ही लिया था कि वो तो हमारी ही परीक्षा लेगा। अब मेडिकल टीम ने पापा को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया और नमन को उसी हॉस्पिटल में जहां मम्मी का ट्रीटमेंट हो रहा था। अब हम सब बस मम्मी और नमन दोनों के ठीक होकर घर आने का इंतज़ार कर रहे थे, और शायद ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन मेरी मम्मी की हालत में सुधार आया और नमन और मम्मी जल्द ही ठीक होकर घर आ गए। हालांकि अब भी उन्हें आसपास के लोगों सहित कई रिश्तेदारों की खट्टी मीठी बातों को सुनना ही पड़ा, लेकिन ये जो हकीकत थी उसे तो उन्हें सहन करना ही था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।